साथियों, ये जो आप फ्रूट देख रहे हो ये बिल्कुल यूनिक फ्रूट है, आपने बहुत कम देखा होगा। जो मेरे व्यूअर हैं इनमें कम से कम 95% लोगों ने तो देखा नहीं है और 99% लोगों ने खाया नहीं है। इसका नाम है खुमानी। खुमानी अधिकतर लोगों ने अगर खाया है तो वो ड्राई खाया है, क्योंकि खुमानी की प्लांटेशन अपने देश के अंदर कम है। बात करें हिमाचल और कश्मीर को छोड़कर अन्य गर्म जो जलवायु क्षेत्र है उसमें, तो उसमें किसी को यही नहीं पता कि कुछ ऐसी वैरायटी भी है जो हो सकती है और काफ़ी अच्छा उत्पादन भी दे सकती है। साथियों, ये आप पौधा जो देख रहे हो, एक तो इसके जो पत्ते हैं वही काफ़ी आकर्षित करते हैं, दूसरा जो इसका फ्रूट है वो बिल्कुल येलो हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है। साइज है हमारे यहाँ पर बहुत भरपूर और बेस्ट साइज लेता है ये। ये देखिए आप खुमानी का ये जो साइज है, ये देखिए ये अब पक चुका है। ये वैसे आड़ू से मिलता जुलता फ्रूट है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी की तुलना करके भी दिखाऊंगा कि किस फ्रूट का कितना साइज है मई के फर्स्ट वीक के अंदर। तो अब मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। पहले तो आप इसका ये देखें ये किस तरह का फ्रूट होता है, अंदर से कैसा है वो भी दिखाता हूँ। अधिकतर जो ड्राई मिलता है उसके अंदर गुठली को निकाल लेते हैं या जो प्रोसेसिंग के बाद जो मिलता है। ये है इस तरह का। इसमें भी प्लम की जो वैरायटी है उसकी तरह रेशे होते हैं, लेकिन जो टेस्ट है वो औरों से अलग है। इसका टेस्ट बिल्कुल यूनिक होता है और ये काफ़ी कॉस्टली भी है। ये भी आप ध्यान रखें, कहीं से भी आप ड्राई फ्रूट में अगर खुमानी मांगोगे तो आपको 250-300 रुपये से ऊपर ही इसका रेट मिलेगा। आइए दिखाते हैं पेड़ पे कितनी लगी हुई है। ये राजस्थान में हमारी नर्सरी और यहाँ पर ये फ्रूट लगा हुआ है। ये देखें इसमें, और आपको तोड़ के खिलाई जाए। लो साथियों, ताजा ही आप इसका आनंद ले सकते हो। इसको अगर ये पक गया तो हाथ के दबाने से भी ये देखो ये इसका पल्प है। ये देखो ये इसमें ये हल्के हल्के से रेशे होते हैं, तो खाने में काफ़ी टेस्टी है, स्वास्थ्य के लिए तो लाजवाब है ही। वैरायटी हमारे पास है इसकी, ओरिजिनल बेचते हैं। इसके पौधे बस अभी नहीं है, दिसंबर में मिलते हैं, लिमिटेड पौधे होते हैं, दिसंबर में ऑर्डर पे ही निकल जाते हैं। तो साथियों, अब नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं। आइए।